नमस्कार फ्रेंड्स, साइड ट्रेडिंग टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन में यानी प्रॉफिट में होगा। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से अशोक लीलैंड के बारे में बात किया था और 139 रुपीज से इस स्टॉक को अपने चैनल पर कवर करते आ रहा हूँ और यह स्टॉक अभी 260 रुपीज़ पर चला गया, यानी बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिया है। और इस स्टॉक के बारे में अभी भी हम बोल सकते हैं कि जितना इस स्टॉक के अंदर तेजी आना चाहिए अभी भी तेजी आया नहीं, और उस स्टॉक के पीछे मत भागिए जो ऑलरेडी भाग गया है। अलग अलग स्टेट से इलेक्ट्रिक बस बनाने का डिमांड मिल रहा है, दुबई से और यूएई से अलग अलग डिमांड ऑर्डर मिल रहा है। इलेक्ट्रिक बस का डिमांड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जितने भी व्हीकल है उनको कम करने का प्लान कर रही है सरकार। सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर है और फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड। इस कंपनी को हल्के में मत लीजिए और यह कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही में बताना चाहूँगा कि यह डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम करता है। अगर इस स्टॉक को खरीदने में आपको लग रहा है कि खरीदने के बाद कहीं इसमें गिरावट आ जाए तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी अगर आपने आज हाई प्राइस में भी ले लिया और कल गिर गया तो जब आप कम प्राइस में खरीदेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनेगा। इसलिए SIP करना भी इस स्टॉक के लिए अच्छा है और SIP भी वैसे ही कंपनी में करना चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक हो। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं जो ऐसे ऐसे कंपनी बताते हैं जिनमें उनका ज़्यादा फायदा हो, आपका फायदा से उनको ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि उनके लिए उनको हैवी डिस्काउंट मिलता है। अगर आप मॉल में जाएंगे तो देखेंगे जो सेल्समैन होता है वह वैसे प्रोडक्ट की ज़्यादा बात करेगा जिसमें उसको ज़्यादा डिस्काउंट हो, यही सोचता है एक बार आपको किसी तरह से वो सेल कर दिया उसके बाद में उसका तो रिटर्न बन गया, बाद में आप उसके पीछे घूमते रहिए उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। इसलिए SIP भी करना है तो अच्छे कंपनी में जिससे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। किसी भी कंपनी में SIP भी करना ज़्यादा फायदे की बात नहीं होता। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैनी स्टॉक और बहुत ही कम प्राइस पर मिल रहा है, वास्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड, करंट प्राइस 71 रुपीज़। आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और यह स्टॉक बहुत बेहतरीन है। इस पर फोकस किया जा सकता है, आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा रिटर्न बना कर दे सकता है। नेक्स्ट, यस बैंक लिमिटेड के बारे में बहुत बार वीडियो में कवर किया हूं और आप लोग से बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी जब उसमें एक अच्छा न्यूज आता है तो कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना कर देता है। और इनके लिए अभी न्यूज है, इनके लिए जापानीज बैंक भी इसमें धीरे धीरे अपना स्टॉक बढ़ा रहे हैं और यह स्टॉक आने वाले समय में बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बना कर दे सकता है और काफ़ी अभी सस्ते प्राइस में मिल रहा है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है इस स्टॉक को और हमें कम प्राइस में बाई करना है, उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, थोड़ा थोड़ा बाई कीजिए। जब कभी भी इस स्टॉक में गिरावट हो उसमें बाई करते जाइए, आने वाले समय में बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बना कर दे सकता है। नेक्स्ट, एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिनके होल्डर विजय केडिया जी हैं और विजय केडिया जी का नाम आपने सुना होगा जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हैं। वो ऐसे कंपनी पर दाव लगाते हैं जो मल्टीबैगर्स रिटर्न बना कर दे। उनका एनालिसिस बहुत ही बेहतरीन है और जिनको उनके बारे में मालूम होगा फिर ज़्यादा बताने की बात नहीं है। उन्होंने फिर इस कंपनी में अपना बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी का नाम है ओम इंफ्रा लिमिटेड, करेंट प्राइस 206 रुपीज़। यह इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम डे बाई डे बढ़ने वाला है। विजय केडिया जी बोलते हैं वैसे कंपनी के पीछे भागो जो अभी तक नहीं भागा है, उस कंपनी के पीछे मत भागो जो ऑलरेडी भाग चुका है। इस स्टॉक में भी
इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका मिल रहा है। और जब भी गिरावट हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही जाकर आप ह्यूज क्वांटिटी मार लीजिए या बिल्कुल एक भी शेयर मत खरीदिए, कोई जरूरत नहीं है कि जितने भी स्टॉक की बात की जाए सारा स्टॉक ही खरीद लिया, नहीं। लर्निंग पर्पज़ से इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखिए या कहीं लिख के रखिए और देखिए कि इस स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक्स में तो हम पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन एनालिसिस और नॉलेज जितना भी हमारा ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, इसलिए ज़रूर इस स्टॉक पर फोकस किया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे मेगा IPO। यह कंपनी टाटा के साथ और भी लीडिंग कंपनी के साथ काम करता है और आप लोगों से मैं कई बार अपने वीडियो में वारी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया था। इन्होंने कोरोना के समय 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, उनको 10 करोड़ रुपये मिला है, क्योंकि समय पर चीज़ों को पहचानना होता है और पैसे से ज़्यादा समय का वैल्यू है मार्केट में। आप देखते होंगे एक दुकानदार जो होता है एक ही आइटम्स को 4 से 5 भाव में बेच देता है, कैसे? सबसे पहले वो कस्टमर की पहचान करता है। कोई ऐसा कस्टमर जो फर्स्ट टाइम आया तो वो सोचता है कि ये फर्स्ट बार आया फिर अभी आएगा नहीं, तो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेच दो फिर तो आने वाला नहीं है। दूसरा कस्टमर ऐसा भी आता है जो कंटिन्यू उसके पास आता है तो सोचता है कि इसको एवरेज प्राइस में दे देते हैं क्योंकि ये हमेशा आते रहेगा तो हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनता रहेगा। तीसरा कस्टमर ऐसा आता है जो कि काफ़ी उनका पर्सनालिटी अच्छा होता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई होता है, तो उनके पैसे और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख करके वो छोटे से प्राइस के सामान को भी काफ़ी हाई प्राइस में सेल कर देता है और इसलिए करता है कि उनको मालूम है कि ये बार्गेनिंग नहीं करेंगे, इनके पास बहुत पैसा है और उनको देता है और लेकर चले भी जाते हैं। चौथा कस्टमर ऐसा होता है जो 10 दुकान घूम करके आया हुआ है और उसको मालूम है कि इस कस्टमर को सब कुछ मालूम है, इसके साथ कुछ भी गलत करूँगा तो ये जा करके पूरा मार्केट में नाम बदनाम कर देगा, फिर उसके दुकान पर कोई आएगा नहीं, इसलिए उस कस्टमर के लिए एक अलग प्राइस देता है। और पांचवा नंबर ऐसा रहता है जो कि ओके है, जो भी दे दिया कुछ नहीं बोलेगा, लेके चला जाएगा, ना इधर बोलेगा ना उधर बोलेगा ना डिस्काउंट करेगा, कोई मतलब नहीं है, जितना पैसा बोला दिया लिया चल दिया। तो मार्केट में कोई भी चीज़ बाई करना है उससे पहले बिल्कुल अपना एनालिसिस करना है, शेयर मार्केट में भी है, और शेयर मार्केट में भी आप तभी पैसा कमाएंगे जब किसी भी स्टॉक्स को कम वैल्यूएशन में खरीदेंगे। ऑलरेडी अगर आपने ज़्यादा प्राइस में बाई कर लिया तो फिर उसको सेल करने के लिए लंबा टाइम देना पड़ेगा, वैसा गलती क्यों करना जब हमें बाई करना ही है, तो हमेशा मार्केट चांस देता है, 1 महीना 2 महीना में देखते हैं आप, कभी ना कभी लंबा गिरावट होता है, पैसे को संभाल कर रखिए और जब भी गिरावट हो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए अच्छे स्टॉक में और उस स्टॉक से अच्छा मुनाफा कमाइए। अब हम बात करेंगे IPO का नाम क्या है, नाम है इसका प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड, और यह जो कंपनी आ रहा है यह वारी रिन्यूएबल एनर्जी का कंपटीटर है, यानी वारी रिन्यूएबल को कौन नहीं जानता है, और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक रिटर्न बनाकर दिया है। 27 अगस्त से ओपन होगा सोलार कंपनी का IPO, ग्रे मार्केट में अभी से 190 प्रीमियम पर भाव, टाटा समेत दिग्गज कंपनी है इसके ग्राहक, रूप टॉप सॉल्यूशन के लिए भारत सरकार बात कर रही है, इसमें टाटा पावर और कई ब्रांड भी बात कर रहे हैं, रिलायंस का भी उसमें योगदान है, रिलायंस पावर का भी योगदान है, और साथ ही में बोले तो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी टॉप क्वालिटी के ब्रांड भी इस कंपनी के लिए काम करती है और इस IPO पर फोकस किया जा सकता है। आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं या IPOs हैं वो अच्छा ही रिटर्न्स बना कर देंगे। इससे पहले इरेडा का देख लीजिए, वो भी लगभग 55-56 रुपये के प्राइस पे आया था और देखते देखते 300 रुपये तक गया था,
इसलिए हमें हर एक स्टॉक हो या आईपीओ हो उनके बारे में थोड़ा नॉलेज बढ़ाते रहना है। हमें एक अनुमान मिल जाता है किस सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा हमें फायदा होगा, इसलिए समय रहते आप अपना एनालिसिस करते रहिए जिससे आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट स्विट्जरलैंड एनर्जी लिमिटेड, इस स्टॉक को 39.90 रुपीज़ से अपने वीडियो में कवर किया था और देखते देखते यह स्टॉक 80.50 रुपीज़ यानी 100% से ज़्यादा आप लोगों को रिटर्न्स बना के दिया है। और वैसे ही स्टॉक की हम बात करना चाहते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो लोग काफ़ी सेफ रहे, उनको किसी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे जितने भी बताए हुए स्टॉक्स हैं सारे स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न्स बना के दिया है, और मैं वैसे ही स्टॉक की बात करता हूँ जो आप लोग को अच्छा से अच्छा रिटर्न्स बनाकर दे सके। और अभी भी मैं बताऊंगा आप लोग से स्विट्जरलैंड एनर्जी बहुत ही बेहतरीन है, या आपका पैसा 100% करके दे दिया और फिर भी मैं बताऊंगा कि इस स्टॉक में आप लोग बने रहिए, यह स्टॉक बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। अभी तो ओनली 100% और एक ही दिन में ज़्यादा स्टॉक नहीं खरीदना है, धीरे धीरे बाई करना है जिससे आप लोगों को किसी तरह का लॉस होने की संभावना ना रहे। और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी मन में सोच रहे होंगे और मेरे भी मन में आ रहा है, क्या आप सोच रहे होंगे कि इतना बात वीडियो में बताए लेकिन एक स्टॉक की बात नहीं किए, स्टॉक का नाम है IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। जी ये आप भी सुनना चाहते होंगे और मैं भी दिल से बताना चाहूँगा, यह स्टॉक आपको जीरो से हीरो बनाएगा, यानी यह बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और अभी 184.85 रुपीज़ में मिल रहा है, बहुत ही हमारे लिए अच्छा है। ये मत सोचिए कि अभी इस प्राइस में मिल रहा है तो स्टॉक ख़राब है, नहीं स्टॉक ख़राब नहीं है, स्टॉक अभी भागने की तैयारी में है। बोलते हैं जब शेर भागता है उससे पहले एक कदम पीछे लेता है तब जाके वो अटैक करता है, जब धनुष से बाण छोड़ना होता है तो जो धनुष का जो डोरी होता है उसको पीछे खींचना पड़ता है, जितना ज़्यादा खींचेंगे और बैलेंस बनाएंगे उतना तेज़ी से आगे भागेगा बाण। वैसे ही ये स्टॉक है, आप इस पर ज़रूर फोकस कीजिए, आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर मिलेगा। फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा समय तक एनालिसिस करना पड़ता है और हर एक डाटा निकाल कर तैयार करना पड़ता है, और मैं ऐसे स्टॉक की बात करता हूँ जो आप लोगों को अच्छा रिटर्न्स बना कर दे और दिया भी है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, सारे स्टॉक ने एक से एक कमाल के परफॉर्मेंस करके दिए हैं। फ्रेंड्स अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।